नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार की बात में आज हम बात कर रहे हैं लाभ का हिसाब मांगते उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा पटना में आज सरदार पटेल के एक कार्यक्रम में थे। उन्होंने खुलकर बोला, अपने दिल की बात बोली, अपने मन की बात बोली और कल जितना दिल्ली में बोला था उससे कहीं ज़्यादा आज पटना में बोला। कुशवाहा एनडीए में क्या चाहते हैं, एनडीए से क्यों नाराज हैं, इस बात का एक कहीं ना कहीं रफ आइडिया जो है आज पटना के अपने कार्यक्रम में कुशवाहा ने दे दिया। कुशवाहा का कहना था कि जिस तरीके से आरजेडी से अलग होकर के नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में, मतलब एनडीए के महागठबंधन में आए थे, उसके बाद से जो फायदा था, जो हिस्सेदारी थी, वो बराबर बराबर सभी दलों में उनके अनुपात से नहीं बटा। इसी बात को लेकर कुशवाहा कहीं ना कहीं नाराज हैं। इस बात का जो एक हिंट है, एक आइडिया जो है, वो कहीं ना कहीं कुशवाहा ने आज दे दिया। कुशवाहा कह रहे थे कि जिस तरीके से जेडीयू जो है फिर से बीजेपी के साथ मिल गई, उसके बाद एनडीए के खाते में बैठे बिठाए एक बड़ा राज्य जो है वो एनडीए की सरकारों की लिस्ट में, यानी कि एनडीए की सरकारों के खाते में आकर के जुड़ गया, और इसका जो फायदा था वो केवल बड़े दलों में ही बटा है, छोटे दलों को उस अनुपात में फायदा नहीं मिला। ये कहना था उपेंद्र कुशवाहा का। कुशवाहा बार बार इस बात पे स्ट्रेस डाल रहे थे कि आरएलएसपी भी एक पार्टी है, आरएलएसपी भी एक अलायंस पार्टनर है, लेकिन आज तक उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्हें उनकी उपस्थिति मिलनी चाहिए थी, जो फायदा मिलना चाहिए था, वो फायदा आरएलएसपी को नहीं मिला। कुशवाहा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कुशवाहा ने इतना कहा कि हमने आज तक कभी इस बात की मांग नहीं की कि बिहार में हमें डिप्टी सीएम का जो पद है वो दिया जाए। हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि क्योंकि जनता दल यूनाइटेड नई पार्टी आ गई है एनडीए गठबंधन में, उनको भी सीट देनी है लोकसभा की, तो बाकी जो दल पहले से है सब लोगों को कुर्बानी देनी चाहिए, सब लोगों को त्याग करना चाहिए। इसका जवाब देते हुए मैंने इब्राहिम का और जो जवाब दिया मैंने मीडिया के बंधुओं को, वही बात हमने जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी से बात हुई, उनसे भी मैंने वही बात कही। हमने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जो कुछ भी कहा कि त्याग करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को, तो सभी राजनीतिक दलों को त्याग करना चाहिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी उनकी भावना का कदर करती है, हम भी उनके निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग चाहते हैं, और वह सवाल यही है कि जब पार्टनरशिप कहीं होता है तो पार्टनरशिप में कुछ भी हुआ तो कभी लाभ होता है कभी नुकसान होता है, यही होता है ना पार्टनरशिप में। कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई काम करे, कोई संस्था में आए कुछ भी, तो संस्था में कभी लाभ होगा कभी नुकसान होगा, तो लाभ और नुकसान का बंटवारा कैसे होता है? जब लाभ हुआ तो जितना जितना शेयर जिसका हुआ उसको लाभ मिला, और जब नुकसान हुआ तो जितना जितना घाटा जिसके हिस्से में पड़ा हुआ घाटा भी बढ़ता है, होता है यही होता है ना। ऐसा तो कभी नहीं होता कि संस्था में पार्टनर कई है और कभी लाभ हुआ तो एक दो पार्टनर ले जाए और घाटा हुआ तो सब पार्टनर उसमें उसको उसी भरपाई करे, ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता। जो लाभ लेता है वही घाटा को भी भरने का काम करता है, यही होता है सामान्य तौर पर। तो हमने यही कहा उनसे, नीतीश कुमार जी आए एनडीए में, जनता दल यूनाइटेड जब एनडीए में आया तो एनडीए को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, बैठे बैठाए बिहार जैसा बड़ा प्रदेश में एनडीए की सरकार बन गई, फायदा हुआ एनडीए को, फायदा हुआ चुनाव से एनडीए की सरकार यहाँ बन गई थी। नीतीश कुमार जी आए बैठे बैठाए बिना मेहनत किए हुए एनडीए के खाता में राज्य की एक सरकार आ गई, तो राज्य की सरकार आ गई तो एक उपलब्धि हुई, मतलब संस्था को लाभ हुआ, उस लाभ में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कहां चली गई थी, उस लाभ हुआ तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी जो ही हिस्सा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का बनता, हम यह नहीं कह रहे कि किसी का हिस्सा बड़ा उप मुख्यमंत्री बनने का तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी किसी प्रतिनिधि को उप मुख्यमंत्री बना दिया, हमने तो कभी नहीं कहा। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी लाभ में हिस्सा दूसरे दलों का हुआ उस अनुपात में जितनी हमारी भागीदारी थी
किसी को 100 मिला तो दो ही एक ही हिस्सा हमारा था कि नहीं उसमें हिस्सा था, तो हमारा हिस्सा था तो हमको उसमें हिस्सा क्यों नहीं मिला? उस समय हमको हिस्सा मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? आज यदि कहा जा रहा है कि आप ही खाता सही है, आप ही त्याग कीजिए, तो हम हस्तक त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले हमको उसका हिसाब दे दिया। एनडीए में जिस तरीके से फायदे की हिस्सेदारी हुई है उससे कुशवाहा साफ तौर पर नाराज लग रहे थे। कुशवाहा ने आज मन की बात की और काफ़ी हद तक खोल कर भी बात किया, अपने दिल को खोल कर दिल की बात की, और जो चीज़ें थी जो कि अब तक कहीं ना कहीं पर्दे के दायरे में थी वो आज स्पष्ट हो गया। कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि कल भूपेंद्र यादव से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की और उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को कुशवाहा ने भूपेंद्र यादव से कह दिया है। कुशवाहा का ये कहना कि एनडीए के जो लोग हैं, एनडीए के आलाकमान हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार अब हमारे अलायंस में आ गए हैं, उनके लिए हमें कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा, हमें जगह बनानी पड़ेगी। इस बारे में कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह का जो ओपिनियन है, अमित शाह की जो बातें हैं, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, हम जगह बनाने को तैयार हैं, लेकिन क्या केवल जो हिस्सेदारी फायदे की हिस्सेदारी होती है केवल बड़े एक दो पार्टियों के लिए होती है? फायदा हो तो केवल एक दो पार्टियों का और नुकसान हो तो सभी पार्टियों का। ये बात बार बार कुशवाहा कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुशवाहा की नाराजगी जो है आज उभर करके सामने आई, उससे बिहार की राजनीति में एक नई बहस जो है वो चढ़ गई है। कुशवाहा एक दो मांग जो है साफ तौर पर कर रहे हैं और आज के बयान के बाद उनकी मांगें और ज़्यादा स्पष्ट हो गई हैं। जिस तरीके से सरकार में भागीदारी की, सरकार में हिस्सेदारी की बात कुशवाहा आज कर रहे हैं, उसको लेकर के ये चर्चा अब पटना के गलियारों में तेज हो गया है कि नीतीश कुमार ने अब से 1.5 महीने पहले बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात छेड़ दी थी, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कहीं ना कहीं कुशवाहा के मन में कुछ उम्मीदें हैं। कुशवाहा ये चाहते हैं जो आज की जो उनकी स्पीच से लगा कि अगला मंत्रिमंडल विस्तार हो तो उसमें उनकी पार्टी के उम्मीदवार को, उनकी पार्टी के एमएलए को जगह दी जाए, एक बात हाल फिलहाल में देखी गई थी, जिस तरीके से लोजपा में पशुपति कुमार पारस को जगह दी गई थी, वो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में किसी सदन के सदस्य नहीं थे, बावजूद उन्हें राजभवन के माध्यम से एमएलसी भी बनाया गया और उन्हें नीतीश के कैबिनेट में जगह भी दी गई। ये कहीं ना कहीं जो है एक छुछोभ है वो कुशवाहा के मन में है, ये बात आज प्रतीत हो गया। लेकिन बिहार की बात में आज हम सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर कुशवाहा को नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में अपने लोगों के लिए जगह चाहिए तो इस बाबत वो नीतीश कुमार से जाकर के क्यों नहीं मिलते? वो पटना में आते हैं, सरदार पटेल पर एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, पूरी भीड़ में संबोधित करते हैं, मगर इस बाबत नीतीश कुमार से जाके वो मुलाकात क्यों नहीं करते? ऐसा तो है नहीं कि अगर वो खुल करके नीतीश कुमार से इस बाबत अपनी कोई मांग करेंगे तो नीतीश कुमार उसको ठुकरा देंगे। नीतीश कुमार से मिलना क्या कुशवाहा क्यों नहीं चाह रहे? क्या नई कॉन्ट्रोवर्सी को नहीं जन्म देना चाहते या नई बातों को जन्म नहीं देना चाहते? इस बात जबकि नीतीश कुमार जो हैं एनडीए अलायंस में ही हैं, उनके पार्टनरशिप में हैं, तो ये बड़ी बात है कि आखिर कुशवाहा नीतीश कुमार से जाकर के क्यों नहीं मिलते और अपनी मांग को वहां पर क्यों नहीं रखते? क्योंकि इन मामलों में अगर आप देखें तो अमित शाह बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार के मामले में भाजपा बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, और जहां तक हमें लगता है कि इस मामले में भी अमित शाह या फिर भाजपा जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, इस बारे में जो उपेंद्र कुशवाहा को खुद बात करनी पड़ेगी, नीतीश कुमार से खुद मिलना पड़ेगा। एक बात और तय है, आज कुशवाहा ने एक बड़ी बात भी कही कि नीतीश कुमार उनसे व्यक्तिगत मुलाकात में इस बात को कह चुके हैं कि आखिर वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। 15 साल का जो उनका वक्त है वो 2020 के चुनाव तक पूरा हो जाएगा, और 15 साल बहुत बड़ा वक्त होता है सीएम के रूप में रहने के लिए, सीएम के रूप में काम करने के लिए। उनके इस बयान को जो है राजनीतिक जानकार बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। दो बातें आज की स्पीच से स्पष्ट हो गई है कि कुशवाहा दो चीज़ चाहते हैं। पहली चीज, वो नीतीश कुमार के अगले मंत्रिमंडल विस्तार में अपने उम्मीदवार के लिए जगह चाहते हैं। ये तो आज तय हो गया, क्योंकि उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया कि जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार इस बार फिर से जुड़े थे, यानी कि एनडीए के साथ फिर से जुड़े थे, तब उन्होंने ये मांग नहीं की थी कि उनके उम्मीदवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए बिहार में। ऐसी मांग कुशवाहा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो फायदा भाजपा को हुआ है तो उनकी यानी रालोसपा जो पार्टी है उस अनुपात में उनकी पार्टी को भी फायदा होना चाहिए था, वो फायदा होता हुआ नहीं।
दिख रहा है। साथ ही साथ स्ट्रेस देकर के, जोर देकर के कुशवाहा ने इस बात को भी कह दिया कि नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई जैसे हैं, नीतीश कुमार से मेरे संबंध आज भी अच्छे हैं, और नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत बातचीत में उनसे ये कहा है कि कुशवाहा जी 15 साल का वक्त लंबा वक्त होता है, वो कब 15 साल सीएम बने रहने के लिए काफ़ी होता है, अब वो कितना काम करेंगे, ये इस बात के बारे में जो चर्चा है कहीं ना कहीं कुशवाहा ने आज सार्वजनिक तौर पर कर दी। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के अंतर्मन की बात करते हुए कुशवाहा ने इस बात पे जोर भी दिया कि वो सच कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और नीतीश कुमार से जो भी उनकी बातें हुई हैं वो सही में इस तरीके की बातें हुई हैं। और इसके बाद एक बात उन्होंने और ऐड किया, वो क्या है कि नीतीश कुमार की इच्छाएं सैचुरेट कर चुकी हैं, यानी कि नीतीश कुमार की जो मन की इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, वो 15 साल तक 2020 के चुनाव तक वो सीएम बन चुके होंगे, सीएम रह चुके होंगे, तो अब जो है उनकी इच्छाएं सैचुरेट कर गई है और नीतीश कुमार शायद कुछ और सोच रहे हों। एक जो बात हम कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की इस बात से डिकोड कर सकते हैं वो ये कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में ही एनडीए से, मतलब खासकर के बीजेपी से, उपेंद्र कुशवाहा इस बात की प्रॉमिस ले लेना चाहते हैं, वायदा ले लेना चाहते हैं कि 2020 में एनडीए बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को बतौर सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करे। ये जो मांग है ये कहीं ना कहीं भाजपा के आला कमान से कल जो भूपेंद्र यादव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह मांग जरूर रख दी होगी, ऐसी समझ जो है हमें फिलहाल बिहार की बात में समझ आ रही है। जो भी हो, उपेंद्र कुशवाहा आज खुलकर बोले हैं और उन्होंने काफी हद तक एक इशारा कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें किन बातों का मलाल है, उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी को जो उचित शेयर है फायदे का वो शेयर नहीं मिल पाया है, वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो त्याग की बात कर रही है, अमित शाह जो त्याग की बात कर रहे हैं, त्याग करने को हम तैयार हैं लेकिन त्याग के साथ साथ अगर फायदा होता है, अलायंस से फायदा होता है, तो इसकी हिस्सेदारी भी कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों में उनके अनुपात में बंटनी चाहिए। तो कुल मिलाकर करके पार्टनरशिप की बात हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा क्या चाह रहे हैं, उनकी नज़र कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार पर है, उनकी नज़र कहीं ना कहीं 2020 के विधानसभा चुनाव पे है, जहां वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद जो है एनडीए कहीं ना कहीं उनको बिहार के सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में सोचे और उनको प्रोजेक्ट करे, और शायद इसी बात का वायदा जो है उपेंद्र कुशवाहा, शायद इसी बात का अश्योरेंस जो है, ये अश्योरेंस अभी ही से ही उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के आलाकमान नेताओं से ले लेना चाहते हैं। मगर बिहार की बात में आज हम बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को बार बार अपना बड़ा भाई कहते हैं, उनसे व्यक्तिगत संबंध होने की बात करते हैं, तो उन्हें अगर कोई शिकायत है या फिर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अपने विधायकों के लिए कुछ जगह चाहिए तो इस बाबत वो नीतीश कुमार से जाकर क्यों नहीं मिलते, नीतीश कुमार से अपनी बात क्यों नहीं कहते। बिहार की बात में मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ आज इतना ही, नमस्कार।